हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीपी रेटिंग का जीएस के पार्ट 9, और उसमें आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपास। कंपास के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपास क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है मर्चेंट नेवी में। तो चलिए आज हम लोग फटाफट जान लेते हैं कंपास के बारे में कि आखिर कंपास होता क्या और इसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि व्हाट इज़ कंपास। तो कंपास इज़ इक्विपमेंट सॉरी कंपास इज द नेविगेशन इक्विपमेंट वी शो द डिरेक्शन ऑफ ए शिप। जो कंपास होता है वो नेविगेशन इक्विपमेंट होता है जो शिप का डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो एक कंपास इज अ नेविगेशनल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट टू शो द डिरेक्शन ऑफ ए शिप। तो जो कंपास होता है, कंपास मेनली टू टाइप का होता है, ठीक है। जो ये कंपास हो जाता है या आपका ये कंपास होता है वो मेनली टू टाइप का होता है। मैं दोनों टाइप आपको बता देता हूँ। एक जो आपका होता है वो जायरो कंपास होता है, जायरो कंपास, और एक आपका होता है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। एक जायरो कंपास हो जाता है और एक हो जाता है जायरो कंपास, और एक आपका हो जाता है मैग्नेटिक कंपास। तो दोनों कंपास के बारे में हम लोग डिटली पढ़ेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये कंपास क्या है। तो कंपास इज नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट टू शो द डायरेक्शन ऑफ ए शिप। देयर आर टू टाइप ऑफ कंपास, जायरो कंपास और मैग्नेटिक कंपास। जायरो कंपास क्या होता है, व्हाट इज जायरो कंपास। तो देखिए, जायरो कंपास जो होता है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, और मैग्नेटिक कंपास होता है उसे इलेक्ट्रिक से चलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जायरो कंपास में पॉइंट क्या होता है, तो जायरो कंपास को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जायरो कंपास नहीं चल सकता है। तो जायरो कंपास इज रन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक पावर। जायरो कंपास इज शो द ट्रू जायरो। ये ट्रू जो भी होता है ये रियल एकदम नॉर्थ बताता है, ये रियल नॉर्थ बताता है। मैग्नेटिक कंपास क्या है, तो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास को चलने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक की पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये मैग्नीटियस जो पृथ्वी का जो अर्थ का मैग्नेटिज्म फोर्स होता है उसी के थ्रू ये नॉर्थ दिशा को डायरेक्ट करता है। तो ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज जायरो कंपास और व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी पावर, मैग्नेटिक जायरो कंपास इज शो द ट्रू नॉर्थ। मैग्नेटिक कंपास इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मैग्नेटिक कंपास इज शो द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब देखिए, जायरो कंपास जो होता है वो कहाँ रहता है, ठीक है। जायरो कंपास का लोकेशन जायरो कंपास रहता क्या है, तो जायरो कंपास शिप पर एक ही होता है, ठीक है। शिप पर जायरो कंपास एक ही होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो जायरो के सब रिपीटर होते हैं। तो ये जो मेन होता है वो ब्रिज में होता है, BRIDGE, ब्रिज में मेन होता है। जो जायरो कंपास होता है वो मेनली ब्रिज में होता है, और जो इसके रिपीटर होते हैं वो ब्रिज विंग पोट ब्रिज विंग स्टारबोर्ड, और एक आपका इंजन रूम में भी होता है, और एक आपका होता है इंजन फ्लैट में, ठीक है। तो जायरो कंपास क्या होता है, ब्रिज में होता है, और उसके जो रिपीटर होते हैं वो ब्रिज विंग स्टारबोर्ड में होते हैं और ब्रिंग विंग पोर्ट में होते हैं, और उसके साथ साथ आपका ये जो होता है इंजन रूम में होता है और इंजन फ्लैट में होता है जहां पर स्टेयरिंग होता है। अब देखिए, इस बात मैंने आपको बताना भूल गया, जायरो कंपास को स्टेयरिंग कंपास भी कहा जाता है, स्टेयरिंग कंपास। और जो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास को जो होता है उसको आपको स्टैंडर्ड कंपास कहते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है ये मंकी आइलैंड में होता है, मंकी आइलैंड मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि मंकी आइलैंड क्या है, तो डेक बढ़ाया था तो हाईएस्ट डेक ऑफ ए शिप मंकी आइलैंड। तो ये जायरो कंपास, ये दोनों का मैंने लोकेशन बता दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जायरो कंपास तो मैंने पढ़ लिया, अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाई टू टाइप ऑफ कंपास कैरीड ऑन ए शिप।
शिप पर दो टाइप का कंपास क्यों होता है? तो हम लोग बताएंगे, इफ द जायरो कंपास इज फेलियर मैग्नेटिक कंपास एज ए बैकअप, माने बैकअप के लिए मैग्नेटिक कंपास को रखा जाता है, लेकिन जो जायरो कंपास शिप में उपयोग किया जाता है वो जायरो कंपास ही उपयोग किया जाता है, इसको बैकअप के लिए रखा जाता है। अब देखिए, अब जो जायरो कंपास होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक कंपास होता क्या है और मैग्नेटिक कंपास के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉक्सिंग ऑफ कंपास, नॉर्थ बाई ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, माने बॉक्सिंग ऑफ कंपास में कितने पार्ट होते हैं और सबका यूज क्या होता है। तो चलिए फटाफट तब तक हम लोग इसको बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक कंपास का टाइप। तो जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक कंपास, वो आपको मैं दिखाता हूं, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास होता है मेनली वो टू टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ड्राई कार्ड मैग्नेटिक कंपास और एक आपका होता है वेट कार्ड मैग्नेटिक कंपास। मैंने दो टाइप का कंपास आपको बता दिया। अब देखिए, ये जो होता है वो राइस पेपर का बना होता है, राइस पेपर, ये क्वेश्चन पूछता है, और ये जो ये बनता है माइका का बना होता है, माइका। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ड्राई कार्ड मैग्नेटिक कंपास होता है वो राइस पेपर का बना होता है, और जो वेट कार्ड मैग्नेटिक कंपास होता है ये आपका जो होता है ये माइका का बना होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो सीप पर रखा जाता है वो आखिर इसका उपयोग मेनली होता क्या है। तो देखिए, ये सीप पर उपयोग अधिकतर नहीं होता है, लेकिन इसको वेट कार्ड मैग्नेटिक कंपास होता है यही सीप पर उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो बना होता है कंपास, इसमें 2.1 रेशियो में डिस्टिल वाटर और एथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर और एथाइल अल्कोहल। अब आप हमसे पूछिएगा कि सर ये डिस्टिल वाटर और एथाइल अल्कोहल मैग्नेटिक कंपास में क्यों रखा जाता है? तो मान लीजिए कि अगर सीप कोल्ड क्लाइमेट में सेल कर रही है तो वहाँ पर जो वाटर होता है वो बर्फ आइस बन जाएगा, लेकिन जो डिस्टिल वाटर और एथाइल अल्कोहल होता है वो क्या होता है कि वाटर नहीं बन पाता है, माने लो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो डिस्टिल वाटर और एथाइल अल्कोहल होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, तो इसलिए वेट कार्ड मैग्नेटिक कंपास का ही सीप में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज यूज इन ए सीप, मॉडर्न सीप, तो सर वेट कार्ड मैग्नेटिक कंपास, बिकॉज वाई, तो बिकॉज टू पार्ट ऑफ डिस्टिल वाटर एंड वन पॉइंट ऑफ एथाइल अल्कोहल इज अवेलेबल ऑन दिस सिचुएशन। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आप कुछ पढ़ सकते हैं, मॉडर्न सीप में वेट कार्ड मैग्नेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग चल, मैंने तो ये चीज़ें आपको एकदम प्रॉपरली बता दी, और कुछ मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक नंबर पॉइंट ये हो जाता है कि हाउ मैनी पॉइंट आर देयर इन ए कंपास, एक कंपास हो गया तो कंपास में कितने पॉइंट होते हैं। इस तरह जो पॉइंट होता है, मैं आपको बॉक्सिंग ऑफ कंपास पढ़ाऊंगा, तो जो पॉइंट होता है कंपास में वो 32 पॉइंट होता है, ठीक है। हाउ मैनी पॉइंट इन कंपास, तो जो पॉइंट होता है 32 होता है, और एक पॉइंट कितना डिग्री का होता है, जो एक पॉइंट होता है वो एक पॉइंट में कितना डिग्री होता है, तो 1125 डिग्री होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मैनी पॉइंट इन ए कंपास, तो 32 पॉइंट, और वन पॉइंट में कितना डिग्री होता है, तो वन पॉइंट में 1125 डिग्री होता है। तो फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ आपको, कि कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज कंपास, तो कंपास इज ए ब्रिज नेविगेशन इक्विपमेंट, सो द डिरेक्शन ऑफ ए सीप। हाउ मेनी काइंड टाइप ऑफ कंपास, तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंपास, जायरो कंपास और मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास इज शो द ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक कंपास इज रन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी जायरो कंपास। और मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक कंपास इज शो द अर्थ मैग्नीशियम, मैग्नेटिक कंपास इज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी पावर। मैग्नेटिक कंपास आर डिवाइडेड इन ए टू पार्ट, वन पार्ट ऑफ ड्राई कार्ड मैग्नेटिक कंपास एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वेट कार्ड मैग्नेटिक कंपास। ड्राई कार्ड मैग्नेटिक कंपास इज राइस पेपर और वेट कार्ड मैग्नेटिक कंपास इज मेड बाई द माइका। और हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कंपास, 32 पॉइंट, एंड हाउ मे एंड ईच पॉइंट इज हाउ मेनी डिग्री, तो
0.25 डिग्री। एंड मैग्नेटिक कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड कंपास एंड जायरो कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेयरिंग कंपास। तो ये चीज़ें मैंने आपको कंपास के बारे में बता दिया, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई टू टाइप ऑफ कंपास कैरी ऑन ए सी, तो हम बताएंगे इनकेस जायरो कंपास इज फेलियर मैग्नेटिक कंपास एट अ बैकअप ऑफ ए शिप। और मैंने लोकेशन भी बता दिया है कि मैग्नेटिक कंपास होता है वो मंकी आइलैंड में होता है, और जो जायरो कंपास होता है वो जायरो मेन कंपास होता है वो ब्रिज में होता है, और जो उसके रिपीटर होते हैं ब्रिज विंग पोर्ट में होते हैं, और ब्रिज विंग स्टार बोर्ड में होते हैं, इंजन रूम में होते हैं, और स्टेयरिंग फ्लैट में होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। और अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, तो जायरो कंपास हो गया, अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे बॉक्सिंग ऑफ कंपास के बारे में, ठीक है, कि बॉक्सिंग ऑफ कंपास में कितने डायरेक्शन होते हैं और डायरेक्शन कौन कौन से हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।